नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पोलन वाल प्रोटीन्स। ठीक है, तो पोलन वाल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है इंटेन और एक है एक्सेन। आप जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं इतना सा, बस इसे इंटेन कहते हैं। ठीक है, इंटेन के कुछ टाइप्स नहीं है, इंटेन को किसी भी टाइप्स में डिवाइड नहीं किया गया है। और बाकी जो एक्सेन है मतलब बाहर वाला हिस्सा, इंटेन मतलब अंदर वाला हिस्सा, और एक्सेन मतलब जो बाहर वाला हिस्सा है उसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है नेक्सेन और एक है सेक्सेन। जो इंटेन के ठीक ऊपर जो रेक्टेंगुलर प्लेस है, इंटेन के ठीक ऊपर उसे बोलते हैं नेक्सेन, और उसके ऊपर जो रॉड वाला स्ट्रक्चर है और उसके और वो रॉड वाला स्ट्रक्चर के ऊपर जो रूफ वाला स्ट्रक्चर है, उन दोनों को मिला के हो जाते हैं क्या, सेक्सेन। ठीक है, तो नेक्सेन को फिर से टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है इनर नेक्सेन 2 एंड और एक है आउटर नेक्सेन 1। तो अंदर जो रह जाता है उसे बोलते हैं नेक्सेन 2 और जो बाहर वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं नेक्सेन 1। इन दोनों को मिलाकर हो जाता है क्या, नेक्सेन। अब आते हैं उसके ऊपर वाला हिस्सा, मतलब जो रॉड वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं एंडोसेक्सेन, एंड उसके ऊपर जो हिस्सा है उसे बोलते हैं, मतलब जो रूफ वाला स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, एक्टोसेक्सेन। और एंडोसेक्सेन एंड एक्टोसेक्सेन इन दोनों को मिलाकर हो जाता है क्या, सेक्सेन। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पोलन वाल। ठीक है, लेकिन फिर भी दो साइंटिस्ट दो अलग अलग तरीके से पोलन वाल के स्ट्रक्चर को डिफाइन किए हैं। ठीक है, आप नाम तो देख सकते हैं यहाँ पे, दोनों मतलब नोमेनक्लेचर के हिसाब से दोनों नाम कुछ अलग तरह से दिए हैं पोलन वाल के स्ट्रक्चर को। तो ठीक वैसे ही आप देख सकते हैं के फैगरी, उन्होंने भी इसे वैसे ही डिवाइड किया है जैसे कि जी अर्थमैन ने किया था, सिर्फ नाम कुछ अलग तरह का है। ठीक है, इसे भी उन्होंने वैसे ही डिवाइड किया है, एक है इंटेन और एक है एक्सेन। इंटेन को उन्होंने डिवाइड नहीं किया है जैसे कि जी अर्थमैन ने किया था, उन्होंने इंटेन को डिवाइड नहीं किया है। उन्होंने एक्सेन को उन्होंने भी दो तरीके से डिवाइड किया है, एक है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्सेन है, नेक्सेन 2 को उन्होंने क्या बोला है, एंडेक्सेन, एंड नेक्सेन 1 को उन्होंने क्या बोला है, फूट लेयर। और जो उसके ऊपर मतलब एंडेक्सेन एंड फूट लेयर के ऊपर जो रॉड वाला स्ट्रक्चर है उसे क्या बोला गया है, कॉल्यूमेला। ठीक है, उसे बोला गया है कॉल्यूमेला। एंड यहाँ पे सबसे ऊपर बाहर वाला हिस्सा मतलब रूफ लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे क्या बोला गया है, टेक्टम। और जो टेक्टम, कॉलुमेला एंड फूट लेयर इन दोनों को, इन तीनों को मतलब एक्टोसेक्सेन, एंडोसेक्सेन एंड नेक्सेन 1, इन तीनों को मिलाकर क्या हो जाता है, एक्टेक्सेन। और पूरा एक्सेन को हम क्या बुला सकते हैं, एक्सेन। नॉर्मल सिंपल है, सिर्फ नाम कुछ अलग तरह का है। यहाँ पे खत्म हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन वाल। थैंक यू, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन पे जरूर बताएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। पोलन वाल प्रोटीन्स, इसके फंक्शन क्या है, तो पोलन वाल प्रोटीन्स जो है पोलन ग्रेन वाल्स के जो प्रोटीन है वो पोपलर्स के जर्मिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत होते हैं। ठीक है, और तो पोलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए वो डिपेंड, पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ है वो भी पोलन वॉल्स के प्रोटीन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, जैसे कि इनकम्पेटिबिलिटी सिस्टम्स को वो जो प्रोटीन है वो अफेक्ट करता है। ऐसे कई सारे फंक्शंस है पोलन ग्रेन वॉल्स प्रोटीन्स के। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसे आगे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन को भी दबा लेना। थैंक्स।